नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि दाढ़ी को कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, अगर आप बियर्ड लुक चाहते हैं या आप अपनी दाढ़ी बढ़ाना चाहते हैं और आप परेशान हैं कि आपकी दाढ़ी बढ़ नहीं रही है, आप परेशान हैं कि आप अच्छे तरीके से इसकी मसाज भी कर रहे हैं, आप खा पी रहे हैं अच्छे खासा, लेकिन फिर भी आपकी दाढ़ी की मसाज आपकी दाढ़ी की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या आपने कई सारे क्रीम पाउडर भी लगा लिए हैं दाढ़ी को बढ़ाने वाले, आपने इंग्रेडिएंट यूज भी कर लिए हैं लेकिन आप फिर भी असफल हैं दाढ़ी को उगाने के लिए, या आपकी दाढ़ी कहीं कहीं आती है या कहीं कहीं नहीं आती है, या आपकी दाढ़ी की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है और आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि आपकी दाढ़ी कहीं आ रही है कहीं नहीं आ रही है, तो ये वीडियो खासतौर से आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम नेचुरल तरीके से दाढ़ी को उगाना बता रहे हैं और आपकी दाढ़ी इतनी घनी उगेगी और आपकी दाढ़ी इतनी अच्छी उगेगी कि आप यकीन करने में आप बहुत दिक्कत होगी, आपको यकीन करने के लिए आप यकीन नहीं कर पाएंगे। तो इस नुस्खे में हम आपको दाढ़ी को बढ़ाने का एक घरेलू प्राकृतिक नुस्खा बताने वाले हैं जो आपको अपनाना चाहिए और आपको वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए तभी समझ पाएंगे कि वीडियो काम का है कि नहीं है और कैसे इसको यूज़ करना है, क्योंकि अप्लाई करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वीडियो को बीच बीच में स्किप करके देखते रहते हैं जिससे कुछ पॉइंट मिस हो जाते हैं, फिर उनको फ़ायदा नहीं मिलता है तो हमें गाली देते हैं कि ये नुस्खा काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपको पूरा वीडियो आखिर तक देखना चाहिए। तो दोस्तों, इस नुस्खे के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एक साफ बाउल लेना है और उसके अंदर हमें एलोवेरा जेल लेना है। सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि एलोवेरा जेल के अंदर काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी स्किन के जो रोम छिद्र होते हैं, पोर होते हैं, उसको ओपन कर देती है और उनको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिलती है, उनको पोषण मिलता है, जिसकी वजह से ही हमारे जो दाढ़ी के बाल होते हैं वो ग्रोथ करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो हमें क्या करना है, इसके एक चम्मच हमें एलोवेरा ले लेना जेल। अगर घर के आपके घर पर अगर एलोवेरा जेल का पेड़ है, एलोवेरा का पेड़ है, तो आप फ्रेश उसमें से एलोवेरा जेल भी निकाल सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, जो इस बंद डब्बे वाले से ज़्यादा अच्छा होता है फ्रेश वाला। तो हमने करीब इसके अंदर देख सकते हैं एक चम्मच हमने एलोवेरा जेल ले लिया है। उसके बाद में हमें क्या करना है, कोकोनट ऑयल लेना है। हमें कोकोनट ऑयल किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई भी कंपनी हो, लेकिन हमें क्या लेना है, नारियल का तेल लेना है। तो मैंने करीब एक चम्मच इसका नारियल का तेल मैं इसके अंदर मिला लूँगा। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर मैंने एक चम्मच नारियल का तेल इसके अंदर मिला लिया है। अब नारियल का तेल हमने क्यों लिया है, नारियल के तेल के अंदर काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या करती हैं कि हमारे बालों की जड़ों में अच्छी तरह से समा जाती है और हमारे बालों को ग्रोथ करने के लिए बूस्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे दाढ़ी के बाल जल्दी जल्दी उगना शुरू हो जाते हैं। अब हमारा तीसरी रेमेडी है, वो है लेमन। लेमन के अंदर क्या होता है कि काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके अंदर साइट्रिक एसिड होता है, वो क्या करता है कि हमारी जो दाढ़ी होती है वहाँ पे जो हमारी स्किन के अंदर रोम छिद्र होते हैं, पोर होते हैं, उनमें क्या होता है ऑयली स्किन की वजह से हमारी स्किन में डस्ट जम जाती है, गंदगी जम जाती है, तो हमारे जो रोम छिद्र होते हैं वो डस्ट की वजह से क्या होता है ऑयल की वजह से क्या होता है वो दूषित हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी दाढ़ी की ग्रोथ भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। तो हमें क्या करना है कि हमें उसकी सफाई करनी है, तो इसलिए हमें नींबू लेना है। नींबू की करीब एक चम्मच इसके अंदर हमें मात्रा ले लेनी है। आप देख सकते हैं कि मैंने एक चम्मच मात्रा नींबू की ले ली है, नींबू के रस की, और मैं इसके बीजों को बाद में निकाल दूंगा इसमें से। अब तो उसके अंदर तीनों चीजें इसके अंदर मिल चुकी हैं और इनको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि इसको अपनी दाढ़ी पे अप्लाई कैसे करना है, जहाँ पे दाढ़ी हमें उगानी है वहाँ पे इसको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, इसको अप्लाई करना सिंपल है। इसको करना क्या है, आप अपने हाथ की सहायता से आया आप रुई की यानी कॉटन की सहायता से इसको डिप करके अपनी जो दाढ़ी पे उस तरीके से आप मसाज कीजिए, सर राउंड राउंड गोलाई में इस तरह से, और आप ये मसाज करीब 3 से 4 मिनट तक करते रहिए, जिससे कि क्या होगा कि आपके जो रोम छिद्र हैं उनकी सफाई हो जाएगी, उनको टोन मिल जाएगा, आपकी स्किन टोन करने लग जाएगी और जो दाढ़ी की जो जड़ें होती हैं वो आपकी मजबूत हो जाएंगी, जिससे आपकी बालों की जो जड़ें मजबूत हो जाएंगी तो उससे आपकी दाढ़ी के जो बाल हैं जल्दी जल्दी उगना शुरू हो जाएंगे और आप एक अच्छा बियर्ड लुक पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये अप्लाई कितने दिन तक करना है हमें ये बता देते हैं। अगर आपसे हो सकता है तो इसको आप डेली यूज़ कर लीजिए एक टाइम, या आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी इसको यूज़ करते रहिए।
इससे आपके बालों की जो जड़ें मजबूत हो जाएंगी, उसके बाद साथ आपकी उसके बाद ही आपकी जो दाढ़ी की जो बाल की ग्रोथ है वो बढ़ने लग जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी और आपकी दाढ़ी बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी। दोस्तों आपको हमारा नुस्खा कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा क्योंकि हमें वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आपसे कुछ रिवॉर्ड मिले। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएगा जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। इसी तरीके की जानकारी वाली वीडियोज़ आपके साथ पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें धन्यवाद कीजिए, बाय करते हैं हम आपसे। जय हिंद, जय भारत।